हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज हम बात करने वाले हैं एट बर्थ वैक्सीनेशन के बारे में कि जन्म के पश्चात 24 घंटे के अंदर बच्चों को कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है, आइए जानते हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन सिस्टम शेड्यूल के अंदर किसी भी नवजात को भविष्य में कुछ रोगों से बचाने के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाता है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत कई प्रकार के रोगों से बचाव के लिए बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाता है। पूरे देश में इम्यूनाइजेशन करने के लिए एक सिस्टम जो कि विशेषज्ञों द्वारा बनाया जाता है, जिसको कि सभी हेल्थ वर्कर्स के द्वारा फॉलो किया जाता है, इसी को नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कहते हैं। अब आपके दिमाग में बार बार बात क्लिक कर रही होगी कि व्हाट इज इम्यूनाइजेशन, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या है। इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाई एन पर्सन इज मेड इम्यून आर रेसिस्टेंट टू एन इन्फेक्शन डिजीज टाइपिकली बाई द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए वैक्सीन। अब इसका सरल शब्दों में अर्थ समझते हैं कि टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसी व्यक्ति को आमतौर पर टीका देकर संक्रामक रोग के प्रति प्रतिरक्षित या प्रतिरोधी बनाया जाता है। इस तरह से हमने समझा कि इम्यूनाइजेशन शब्द का अर्थ क्या होता है। आइए अब और बातों पे ध्यान देते हैं कि यहाँ एक और शब्द है जो बार बार आपको दिमाग में क्लिक कर रहा होगा, वह है वैक्सीन। आमतौर पे वैक्सीन शब्द से तो सभी लोग परिचित हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आगे मैं आपको वैक्सीन के बारे में बताने जा रही हूँ। एक इंसान को किसी भी संक्रामक रोग से सुरक्षित करने के लिए उसे कई तरह की वैक्सीन दी जाती है। जिस रोग की वैक्सीन दी जाती है उस रोग की कमजोर जर्म्स वैक्सीन के रूप में ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। इस तरह की वैक्सीन को एलाइव वैक्सीन कहा जाता है। यहाँ पे जो भी एनएम के स्टूडेंट, नर्सिंग के स्टूडेंट या बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि एलाइव वैक्सीन किसे कहा जाता है। आप समझते हैं, जब यह कमज़ोर जर्म्स ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करते हैं तो हमारा इनबिल्ट इम्यून सिस्टम उस जर्म्स पर चारों तरफ से अटैक कर देता है। वह जर्म्स हमारे इम्यून सिस्टम को धोखा देना चाहता है और हमारा इम्यून सिस्टम उसे नष्ट करना चाहता है। इसे आप एक सरल भाषा में समझ लीजिए कि दोनों तरफ से तलवारें निकल आती हैं, एक युद्ध समझिए हो रहा है जो जिसमें दोनों तरफ से दुश्मन ने तलवारें खींच ली है और बहुत ज़बरदस्त युद्ध शुरू हो गया है। चूँकि वैक्सीन के द्वारा हमारे बॉडी में इंजेक्ट किए गए कीटाणु कमज़ोर होते हैं, तो ऐसा समझिए कि एक दुश्मन कमज़ोर पहले से ही है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उस पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेता है। इस प्रक्रिया में इस रोग के खिलाफ हमारे बॉडी में एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है जिससे उस रोग से हमारी रक्षा वो भविष्य में करता रहता है। अब जानते हैं बीसीजी के बारे में कि बीसीजी क्या है और इसकी वैक्सीन हमको क्यों लगवानी बहुत ज़रूरी है। बीसीजी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में सबसे पहला स्थान बीसीजी के टीकाकरण को दिया गया है। आइए हम जानते हैं बीसीजी टीका के बारे में। बीसीजी है क्या? बीसीजी ट्यूबरकुलोसिस एंड इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्री इन बीसीजी बीसीजी प्लेज एंड इम्पॉर्टेंट रोल प्रिवेंटिंग सीरियस फॉर्म ऑफ द डिजीज इन चिल्ड्रेन लाइक ट्यूबरकुलोसिस मेनिनजाइटिस ईटीसी।
इसे सरल भाषा में समझते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस जिसको आमजन की भाषा में टीबी कहा जाता है, पहले के दौर में जब इसकी दवाइयां नहीं उपलब्ध हुआ करती थी तो अनगिनत लोग इस खतरनाक रोग के शिकार हुए। यह ऐसे कुछ महत्वपूर्ण लोगों का मैं नाम लेना चाहूँगी। हिंदी साहित्य के दो प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी छोटी उम्र में ही इस रोग के कारण काल कवलित हो गए। भारत देश के महान गणितज्ञ रामानुजनचार्य का भी इसी रोग के कारण निधन हो गया। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो डेवलपिंग कंट्री में हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ी समस्या है और इसे कंट्रोल करने में BCG ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इस वैक्सीन के द्वारा ट्यूबरकुलोसिस और मेनिनजाइटिस जैसे रोगों से अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। फुल फॉर्म आप BCG का जानते हैं। BCG का फुल फॉर्म होता है बी से बैसिलस, सी से कालमेट और जी से ग्यूरिन। बैसिलस का अर्थ होता है बैक्टीरिया से। कालमेट और ग्यूरिन जो है इसको BCG को डेवलप करने वाले साइंटिस्ट का नाम है। ये कालमेट जो है उनका पूरा नाम है डॉक्टर एल्बर्ट कालमेट, और ग्यूरिन जो है उनका पूरा नाम है डॉक्टर कैमिले ग्यूरिन, जो कि बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने ही BCG की वैक्सीन को डेवलप किया था। अब जानते हैं कि BCG की डोज बच्चों को कितना दी जाती है। BCG की जो डोज है जन्म के 24 घंटे के अंदर जो वो डोज देते हैं वो 0.05 ml होता है, लेकिन आफ्टर एट बर्थ जब हम ये डोज देते हैं तो वो 0.1 ml हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों के डोज में भी डिफरेंस हो जाता है 24 घंटे एट बर्थ देने में और उसके बाद के समय में। अब जानते हैं कि एंगल ऑफ BCG को इंजेक्ट करते वक्त कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए और कहाँ किस साइड पे देना चाहिए, इन सब बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। BCG जो वैक्सीन होती है इसके लिए एक स्पेशल सिरिंज आती है जिसको कि हाइपोडर्मिक सिरिंज कहते हैं। उसमें उसकी नीडल की जो गाज होती है वो 25 से 26 गाज की होती है और ये इंट्राडर्मल दी जाती है लेफ्ट साइड जो आर्म्स होता है उसके एकदम अपर पार्ट में इंट्राडर्मरी ए इंजेक्ट की जाती है। उस वक्त देते वक्त इसका सिरिंज का एंगल होना चाहिए 10 to 50 degree एंगल पे BCG की वैक्सीन दी जाती है। अब जानते हैं कि इस वैक्सीन को हम तैयार कैसे करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। तो ये वैक्सीन जो होती है BCG वैक्सीन इज ए फ्रीज ड्राइड पाउडर इज मिक्स विद डाइल्यूटिंग फ्लूइड देन आफ्टर वैक्सीन टू वेरी वेल मिक्सअप है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि BCG वैक्सीन जो होती है एक ड्राइड पाउडर फॉर्म में ए वायल में होती है और उसके साथ एक डाइल्यूटिंग फ्लूइड मिलता है जिसको कि उसमें सिरिंज से लोड करके और उसमें डाल सिरिंज वायल के अंदर डालते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमें ऊपर नीचे करते हुए उसे मिक्सअप कर लेना चाहिए। जब इस प्रकार से हमने उसको मिक्सअप करके तैयार कर लिया है तो वो तैयार वैक्सीन जो होती है केवल 4 से 6 घंटे तक ही हम रख सकते हैं, उसके बाद एक ख़राब हो जाती है। और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि BCG का जो वैक्सीन होती है उसको कोल्ड चेन के अंदर भी 2 से 8 degree टेम्परेचर पे हमेशा मेंटेन रखा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे ही हमने इस वैक्सीन को बना लिया देने के लिए प्रिपरेशन कर लिया तो केवल 4 से 6 घंटों के बीच में हमें रखना होता है, उसके बाद इसे हटा देना होता है। अब जानते हैं कि हमने वैक्सीन तो तैयार कर ली है, अब इसे हमें लगाने का क्या प्रोसीजर होता है।
तो प्रोसीजर जानते हैं। पर सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है कि कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो मरीज को बताते हैं कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं, उन्हें अवगत कराते हैं। लेकिन या तो बच्चा है, छोटा है, तो जैसे ही मान लें एट बर्थ हम वैक्सीनेशन करने जा रहे हों, तो हमें पेरेंट्स को पूरा बात पूरी तरीके से बतानी चाहिए कि हम आपके बच्चा को एट बर्थ वैक्सीनेशन में हम क्या क्या देंगे और कहाँ पर लगाएंगे। तो ये सारी बातें आपको पेरेंट्स को क्लियर कर देनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना है कि वाशी और हैंड प्रॉपरली, जो भी वॉशिंग हैंड के प्रॉपर ला होते हैं, जैसे 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग के होते हैं, उसे पूरे तरीके से हमें फॉलो करते हुए अपने हैंड को पूरी तरह जर्म फ्री कर लेना चाहिए। अब वहाँ की जहाँ पे बच्चे को जिस साइड पे देना है वो साइड को भी आपको क्लीन कर लेना चाहिए। और जब भी BCG लगाते हैं तो आराम से आप भी कंफर्टेबल तरीके से बैठ जाइए, और बच्चे को लेकर के जो लोग बैठे हों उनको भी एकदम पूरी तरह से कंफर्टेबल बैठा लीजिए। और अपने जब आप अच्छे से बैठे रहेंगे तभी आप अच्छी पोजीशन में बैठे रहेंगे और बच्चा भी अच्छे पोजीशन में होगा, तभी ये प्रॉपर वे में आप वैक्सीनेशन कर पाएंगे। फिर आपको क्या करना है, बच्चे के लेफ्ट साइड में उसके हैंड को पूरी अच्छे तरीके से आपको पकड़ना है और ऊपर के साइड का थोड़ा सा आपको इसीन एकदम स्ट्रेच कर, थोड़ा हल्के से हाथों से ही स्ट्रेच कर लेना है, ताकि आपको लगाते वक्त इंजेक्शन लगाते वक्त इधर उधर प्रिक होने की संभावना ना हो। आप हल्का सा स्ट्रेच करके और बिल्कुल अपर पार्ट में इंट्राडर्मली इसको इंजेक्ट करते हैं। मालूम होना चाहिए कि इंट्राडर्मल स्किन का टॉप लेयर होती है और उसी में ये इंजेक्शन दिया जाता है। साथ ही आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि BCG की ही एक वैक्सीन ऐसी वैक्सीन है जो इंट्राडर्मली दी जाती है। इसके अलावा सारी वैक्सीन या तो IM दी जाती, इंट्रामस्कुलर दी जाती है या ओरल दी जाती है, केवल BCG की वैक्सीन है जो हम इंट्राडर्मली देते हैं। इस प्रकार से आपको सारी जानकारी हो गई कि आपको वैक्सीन देते वक्त क्या क्या कार्य करना है। अब मैंने नोट में भी कुछ बातों को लिख दिया है जिसको कि आप ज़रूर यहाँ नोटिस करें कि आपने वैक्सीन तो अब दिया, अब क्या वहाँ पे चीज़ें आपको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने सही वैक्सीनेशन किया है। तो इस प्रकार से आप देखें, आप नोट करेंगे कि वहाँ पर एक व्हील बन गया है, इसका मतलब है कि आपने सही वैक्सीनेशन किया है। अब जैसे ही आप वहाँ पे इंट्राडर्मली इंजेक्ट करेंगे वैक्सीन को, आप देखेंगे कि वाइट कलर का एक छोटा सा गोल सा बन गया है, उसी को कहते हैं कि व्हील बन गया है, BCG की व्हील बन गई है। तो आपको होना चाहिए कि हमने करेक्ट इंजेक्शन दे दिया है। अब उसके बाद भी बहुत सारी बातें आपको उसके पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट्स को बिल्कुल बतानी चाहिए कि अब इसके बाद क्या क्या होगा। अब लगभग 4 से 6 सप्ताह के बाद वहाँ पर क्या होता है, एक दाना बनता है और वह दाना धीरे धीरे और बड़ा होता जाता है। फिर उसमें अल्सर बनता है, वह अल्सरेटिव होता है क्योंकि उसमें पस फार्म हो जाता है वह दाना। फिर अगले 1 या 2 महीने बाद वह अल्सर धीरे धीरे सूखने लगता है, ड्राई होने लगता है और वहाँ पर एक स्कार रह जाता है। आपने ऐसे भी देखा होगा, बहुत पहले तो बहुत बड़ा बड़ा स्कार रहता था लोगों के लेफ्ट साइड में, हाथ में लेफ्ट साइड हाथ में बहुत बड़ा बड़ा रहता है, लेकिन अब उस मुकाबले में उतना बड़ा स्कार नहीं रहता है, थोड़ा छोटा ही रहता है। तो इस तरह से आप वहाँ पर एक स्कार बन जाएगा। यह सभी प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल है और ये आपको BCG लगाने से पहले पेरेंट्स को सारी बात क्लियर कर देनी है। और आपको साथ ही साथ यह भी बताना है कि वहाँ पर कोई तरीके का आप दवा, मलहम या कोई चीज़ भी आप नहीं लगाएंगे, केवल साफ सफाई आपको रखनी है। ये सब BCG के नॉर्मल प्रोसेस हैं जो कि 3 महीने तक चलेंगे, इसके बाद सब अपने आप ही सही हो जाता है। अब देखते हैं कि BCG के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि BCG के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। पहले है कि स्वेलिंग, जहां हमने वैक्सीन दिया है वहां पे स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकता है, बच्चे को फीवर आ सकता है या ओमिटिंग हो सकती है, कुछ बच्चों में सांस लेने में कठिनाई हो सकती है या कुछ के
सांस लेते वक्त घरघराहट की आवाज़ भी आती है। बच्चा लगने के बाद अगर घर जाता है वो लगातार क्राई करता रहता है, पेशाब बहुत बार बार जल्दी जल्दी वो करता है, और कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि पेशाब में खून भी आ जाता है। अगर ये सारी बातें हो रही है तो आपको माँ बाप को बिल्कुल बतानी चाहिए कि ये सब उसके कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए कृपया घबराए नहीं और ज़्यादा दिक्कत होने पे आप डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। अब जानते हैं कि BCG का वैक्सीन क्या कुछ बच्चों को नहीं भी लगता है? बिल्कुल, अगर बच्चे थोड़े भी बीमार हैं, बिल्कुल स्वस्थ नहीं हैं, तो उनको हमको तुरंत नहीं लगाना चाहिए। और उनका अगर वेट वजन 2.5 kg से कम है तब भी हम तुरंत नहीं देंगे, या HIV माँ पॉजिटिव रही हो तो हम बच्चों को तुरंत नहीं लगाएंगे, बल्कि उन्हें हायर सेंटर पे आपको रेफर करना है, वहाँ डॉक्टर के देखभाल में उनको पुनः लगेगा। तो ये सब आपने देखा BCG के बारे में, हमने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी। और इसके बाद भी अभी एट बर्थ की 2 वैक्सीन बाकी है, जो कि हेपेटाइटिस बी और OPV है, उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा होगी। तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।